Good morning, students. I am Chanchal from SGTB School. Now your maths class is here. Open your maths book, page number 200 and exercise 12.2. The first sum is the following table shows the size of shoes worn by some students in a school. Means ki school ke kuch students ne shoes wear kiye hue hain, jaise to unke size ki hame table di hui hai. 1 to 2 cm, 3 to 4 cm, 5 to 6 cm, 7 to 8 cm, इस तरह से ये टेबल दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. मीन्स कि जैसे 1 और 2 सेंटीमीटर के साइज के जो शूज हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने वेयर किए हुए हैं, 6 स्टूडेंट्स ने. और 3 और 4 साइज के जो शूज हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने वेयर किए हुए हैं, 8 स्टूडेंट्स ने. और 5-6 सेंटीमीटर्स के जो शूज हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने वेयर किए हुए हैं, 12 स्टूडेंट्स ने. इस तरह से ये कंप्लीट टेबल दी हुई है. तो हमने इस पिक्टर इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है. पिक्टोग्राफ क्या होता है, हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि पिक्टोग्राफ वो होता है जब हम कोई भी डाटा एक पिक्चर्स के पिक्चर के द्वारा शो करते हैं, ठीक है ना, उसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ. देखो बेटा, लुक एट द बोर्ड. द साइज ऑफ शूज इन सेंटीमीटर, तो शूज का साइज है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है. जैसे 1 और 2 सेंटीमीटर, 3-4 सेंटीमीटर, 5-6 सेंटीमीटर, 7-8 सेंटीमीटर, 9-10 सेंटीमीटर और 11-12 सेंटीमीटर, 13-14 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हमने इसमें एक पिक्टोग्राफ ड्रा करना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को टेबल में दिए हुए हैं, तो जो जैसे कि हमें दिया हुआ है 1 और 2 सेंटीमीटर में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने एक हमें एक की चाहिए होती है. की मीन्स क्या होता है कि इस की में हम क्या शो कर रहे हैं कि जो वन स्टार है, जो वन स्टार है वो 2 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है. वन स्टार इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. तो हमारे पास टेबल में फर्स्ट है 3 स्टूडेंट, सॉरी 6 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने तो हमारे पास स्टार बनेंगे. तो क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 6, ठीक है. और की में हमारे पास है 1 स्टार का 2 स्टूडेंट्स, तो हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और कितने स्टार्स आ जाएंगे, 3 स्टार्स, 1 2 3. और ये जो 3 स्टार्स है वो 6 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. सेम एज 3 और 4 सेंटीमीटर के जो स्टूडेंट्स हैं, शूज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं टेबल्स में, देखो आप 8, ठीक है. तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने स्टार्स आ जाएंगे, 4. तो हमने यहाँ पे कितने स्टार्स मेंशन कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है. नेक्स्ट 5 और 6 सेंटीमीटर के शूज क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो है 12, ठीक है. 12 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास और 1 स्टार, ठीक है. 12 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास और 1 स्टार इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. तो हम 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6, तो हम यहाँ कितने स्टार मेंशन करेंगे, 6 स्टार, 1 2 3 4 5 6. सेम एज 7 और 8 सेंटीमीटर में है, 7 और 8 सेंटीमीटर साइज के शूज हैं वो कितने स्टूडेंट वियर करते हैं, 10 स्टूडेंट्स वियर करते हैं. तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो हमने कितने स्टार मेंशन करने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ओके. नेक्स्ट सेम एज 9 और 10 सेंटीमीटर साइज के जो शूज है वो कितने स्टूडेंट्स वियर करते हैं, टेबल में देखेंगे 8, ठीक है. 8 स्टूडेंट हैं जो वियर करते हैं. जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, और हम कितने स्टार मेंशन करेंगे, 4, 1 2 3 4. नेक्स्ट 11 और 12 सेंटीमीटर साइज के जो शूज हैं वो कितने स्टूडेंट वियर करते हैं, 6 स्टूडेंट. 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, हम कितने स्टार मेंशन करेंगे, 1 2 3, ओके. नेक्स्ट 13 और 14 सेंटीमीटर साइज के जो शूज वियर करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो है 8. 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो हम कितने स्टार मेंशन करेंगे, 1 2 3 4, ओके स्टूडेंट्स. रिवाइज इट केयरफुली.